Do subscribe and don't forget to press the bell icon to get instant notifications. द्वारकापुरी भारत के पश्चिमी राज्य गुजरात में अरब सागर के किनारे स्थित द्वारका एक प्रमुख तीर्थ है। पौराणिक काल में इसे द्वारावती के नाम से जाना जाता था। रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी और बद्रीनाथ की तरह द्वारका भी चार धामों में से एक है। प्राचीन काल से अति पवित्र माने जाने वाले सात नगरों जिन्हें पुरी कहते हैं, द्वारका भी उन्हीं में आता है। द्वारका में शंकराचार्य की गद्दी और शारदा पीठ मठ है, इसलिए वह चारों धामों में पश्चिम का महत्वपूर्ण धाम माना जाता है। स्कंद पुराण में भी द्वारका के महात्म्य पर प्रकाश डाला गया है। द्वारका का महत्व भगवान श्री कृष्ण के कारण है। कहते हैं कि इसे उन्होंने ही बसाया और यदुवंशियों की राजधानी बनाया। कृष्ण मथुरा में पैदा हुए, गोकुल में पले, परंतु बसने के लिए इतनी दूर द्वारका पहुँचे। कहते हैं जब श्री कृष्ण ने कंस का वध किया तो उसके ससुर जरासंध ने कृष्ण से बदला लेने के लिए मथुरा पर 17 बार आक्रमण किया। यद्यपि वह हर बार पराजित हुआ, परंतु इससे मथुरावासियों को भी जन धन की हानि उठानी पड़ी। तब मथुरावासियों ने श्री कृष्ण से ऐसी जगह बसने के लिए कहा जहाँ जरासंध के आक्रमण ना हो सके तथा लोग शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत कर सके। मथुरा से बहुत दूर समुद्र तट पर द्वारका पहले से ही एक प्रसिद्ध स्थान था। तब इसे कुशथली कहते थे। कृष्ण को यह जगह बहुत पसंद आई। उन्होंने मथुरा के लोगों के लिए कुशथली में ही नया नगर स्थापित किया और इसका नाम रखा द्वारका। नगर के चारों ओर बहुत ऊंचा परकोटा बनाया गया जिसमें चार दरवाजे थे। संभवतः इसलिए इस नगर का नाम द्वारका अर्थात द्वारों वाली नगरी रखा गया। किसी समय बड़ी वैभवशाली तथा स्वर्ण नगरी के नाम से विख्यात रह चुकी इस नगरी को प्राचीन काल में समुद्र ने निगल लिया था, लेकिन श्री कृष्ण का निवास स्थान नहीं डूबा। गोमती की ओर से 56 सीढ़ियां चढ़ने के बाद श्री रणछोड़ जी का मंदिर आता है। यही द्वारका का प्रमुख मंदिर है, जिसे द्वारकाधीश का मंदिर भी कहते हैं। शिल्प की दृष्टि से बेजोड़ इस मंदिर को जगत मंदिर के नाम से भी पुकारा जाता है। इस मंदिर को तीन भागों में बांटा गया है, निज मंदिर, सभागृह और शिखर। मंदिर में हीरे मोती जड़ी चांदी के सिंहासन पर चिकने वाले पत्थर से निर्मित 1 मीटर से भी ऊंची भगवान श्री कृष्ण की मनोहरी मूर्ति स्थापित है, जिसके आकर्षण से दर्शनार्थी मंत्रमुग्ध रह जाते हैं। इस चतुर्भुजी मूर्ति के चार हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल पुष्प दर्शाए गए हैं।